भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। भारत और सऊदी अरब के बीच कच्चे तेल को लेकर कश्मकश जारी है। भारत ने मिडिल ईस्ट पर कच्चे तेल की अपनी निर्भरता को कम करने के मकसद से देश में तेल उत्पादन करने वाली इकाइयों से उत्पादन बढ़ाने को कहा है। ये एक स्ट्रेटेजिक चेंज माना जा रहा है। भारत के इस कदम को तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपीईसी प्लस के लिए संदेश माना जा रहा है कि तेल उत्पादन को लेकर उन्हें तौर तरीका बदलना होगा। हाल ही में भारत के आग्रह को ओपेक देशों ने ठुकराया था, जिसके बाद से भारत ने अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव किया है। तेल उत्पादक और निर्यातक देशों ने जब अप्रैल में भी उत्पादन में कटौती जारी रखी थी तो भारत ने सख्त तेवर अख्तियार कर लिए। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है कि भारत की तेल उत्पादक इकाइयां जो हैं सऊदी अरब से ईंधन के निर्यात में 1/4 कटौती की योजना बना रही हैं। इससे हो सकता है कि रणनीतिक तौर पर जो रिश्ते हैं उनमें थोड़ी दूरी आए, लेकिन ये जो गेम है ये चेक एंड बैलेंस का गेम होता है, इसलिए ये ज़्यादा जरूरी हो जाता है। भारत की योजना हर महीने औसतन 10.8 मिलियन बैरल तेल आयात करने की योजना है, जबकि ये पहले 14.7 और 14.8 मिलियन बैरल था। केंद्रीय तेल और गैस मंत्रालय के सचिव तरुण कपूर ने बताया कि भारत ने राज्यों में स्थित तेल उत्पादक रिफाइनरियों से तेल उत्पादकों के साथ संयुक्त रूप से बातचीत करने को कहा है ताकि बेहतर डील की जा सके। अब ये कैसे कुछ होगा ये भी हम आपको बताते हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने भारत की खपत के दोगुना होने का अनुमान जाहिर किया है और कहा है कि भारत के तेल आयात में 2019 के मुकाबले 2040 तक इसमें तकरीबन 3 गुना यानी कि 250 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक वृद्धि हो सकती है। यह अनुमान है उस एजेंसी का। ओपेक की कटौती से लोगों के मन में अनिश्चितता और डर पैदा हुआ है, ऐसा एक्सपर्ट्स बताते हैं। इसने रिफाइनरियों के लिए खरीद और मूल्य जोखिम की योजना बनाने की के सामने जो है वो मुश्किल भी खड़ा किया है, लेकिन इसको भी कैसे टैकल हो रहा है ये भी समझिए। दिलचस्प ये है कि इस अंतर को भरने के लिए सऊदी अरब के इस रुख ने अमेरिका, अफ्रीका, रूस और अन्य जगहों की कंपनियों के लिए जो है वो अवसर मुहैया करा दिया है। इससे दूसरे देशों के लिए विंडो ओपन हो रहा है। अगर भारत अपनी योजना में कामयाब होता है तो ये दुनिया के अन्य देशों के लिए भी मिसाल बन जाएगा कि किस तरीके से वो ओपेक की काट निकाल सकते हैं। ये जाहिर सी बात है कि खरीदार हमेशा अधिक किफायती विकल्प की तलाश में रहते हैं और अक्षय ऊर्जा तेजी से सामान्य होती जा रही है। अब भारत की जो आगामी योजनाएं हैं उसको समझिए कि वो कैसे कर रही है। अब भारत की जो रिफाइनरियां हैं वो तेल सप्लाई के नए रास्ते के बारे में विचार कर रही हैं। इसको स्ट्रेटेजिक रूप से तैयार किया जा रहा है। इस मकसद को पूरा करने के लिए प्रसंस्करण के लिहाज से महंगी भारत रिफाइनरियां खुद को अपग्रेड कर रही हैं। इससे आयातकों को दीर्घकालीन विकल्प की तलाश के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है, जिससे वो इनकरेज होकर जो है वो स्टोरेज को लेकर और भी रास्ते तलाशे और आगे का काम अपनी उसको बढ़ोतरी दे उसका। यही वजह है कि HPCL और मित्तल एनर्जी लिमिटेड ने इस महीने गुयाना से देश का पहला कार्गो खरीदा। मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड ने पहली बार ब्राजील के ट्यूपी क्रूड का आयात किया। पिछले कुछ सालों में रिफाइनरियों ने संयुक्त रूप से तमाम पाबंदियों की मार झेल रहे ईरान के साथ तेल सौदों पर बातचीत की है हाल के दिनों में, जिससे यहां मुफ्त शिपिंग और मूल्य छूट की पेशकश की है जिससे, और अब अन्य उत्पादकों के साथ भी ऐसा करने की योजना बनाई जा रही है। धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में कहा था कि अफ्रीकी देश भारत के तेल विविधीकरण में केंद्रीय भूमिका निभा सकते हैं। भारत गुयाना के साथ जो है वो दीर्घकालिक तेल आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर करने और रूस से आयात बढ़ाने के विकल्प को
तलाश रहा है, जो कि एक बड़ा स्ट्रेटेजी चेंज माना जा रहा है ओपेक देशों के खिलाफ। और अगर इस योजना में भारत कामयाब होता है तो तेल के क्षेत्र में ओपेक देशों की जो मनमानी है उससे भारत निजात पालेगा, और उससे जो तेल की जो कमियों का सामना करना पड़ रहा है और तमाम चीजों की परेशानी हो रही है उसका भी कहीं ना कहीं भारत सरकार जो है वो आने वाले वक्त में इस स्ट्रेटेजी से काट निकाल लेगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। देखते रहिए भारत तक। नमस्कार। जय हिंद।